हनुमान जी एक एक बाधा को पार करते हुए लंका में पहुंचते हैं और लंका की भूमि को देखते हैं, जो देखने में तो बड़ी दिव्य और बड़ी ही सुंदर लग रही है। इतना आकर्षण है कि हर घर, हर महल, मंदिर सा प्रतीत होता है, परंतु जब भीतर जाकर देखते हैं तो वो मंदिर जैसा लगता है, दिखता है, मंदिर है नहीं है। हनुमान जी जिस द्वार पर भी जाते हैं, जिसको भी देखते हैं, वो बाहर से कुछ और लग रहा है और भीतर से वो कुछ और लग रहा है। बाहर भीतर एक नहीं है, अनेक है, और जहां अनेकता है वहां एक कैसे आ सकता है। केवल लंका नगरी का ये दृश्य ही नहीं है, आज प्रत्येक शख्स के अंतर से ऐसा ही चित्रण देखने को मिलता है। वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, और जब प्रभु के सामने बाहर अंदर से अलग अलग रहेंगे तो प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, सितारों ने कहा गगन बदल गया, बुलबुल ने कहा चमन बदल गया। सितारों ने कहा गगन बदल गया, बुलबुल ने कहा चमन बदल गया। एक संत ने कहा बदला कुछ भी नहीं है, मुर्दा वही है, कफन बदल गया। मुर्दा वही है, कफन बदला है, रंग ढंग भाषा शैली बदली है, परंतु कर्म तो अभी वही के वही है। इसलिए ऐसे कर्मों को नहीं करना है जो हमें भक्ति से दूर करते हैं, जो हमें परमात्मा से दूर लेकर जाते हैं। जो सच को ईमान बना लेते हैं, अपने को इंसान बना लेते हैं, आ जाता है जिन्हें सच पर मरना, वो मरने को भी वरदान बना लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को इंसान बनाना है। आप कहोगे हम तो इंसान हैं, ये सत्य नहीं है, ये धोखा है, जो हम देखते हैं ये धोखा है, ये वास्तविकता नहीं है। अभी हम मानव नहीं बने हैं, अभी ना तो मानव बने हैं, और मानव बनेंगे नहीं तो मानवता के गुण कहां से आएंगे, कहीं मानवता के गुण नजर नहीं आ रहे। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों कहना पड़ा? क्या वो जानते नहीं थे कि सारा संसार मानवों से ही भरा पड़ा है? मानव बन जाओ। जब तक मानव नहीं बनेंगे, अपने भीतर मानवीय गुणों को नहीं लेकर आएंगे, सच मर्यादा संयम दया क्षमा शील संतोष इन चीजों को धारण नहीं करेंगे तो भक्त नहीं बन पाएंगे। मार्ग में फिर बाधाएं ही बाधाएं आएंगी, मुसीबतें ही आएंगी, आप उनका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए अंदर और बाहर से एक जैसे ही बनना है, जैसे आप भीतर से हो वैसे ही आप बाहर से हो जाओ। प्रभु कहते हैं कि मुझे छल, मुझे कपट, यह चीजें अच्छी नहीं लगती। हम वही करते हैं, इंसान के साथ छल तो करते ही हैं, परंतु भगवान के साथ भी छल कर देते हैं, वहां भी एक आवरण चढ़ाकर जाते हैं। हम बड़े धार्मिक हैं, वहां भी आवरण है, जहां आवरण उतरना चाहिए, जहां अपने आप को हम जैसे हैं, चाहे कितनी भी कमियां क्यों नहीं है। हम किसी टीचर के पास नहीं जा रहे हैं जो हमें पनिशमेंट देगा, हम किसी अदालत में नहीं जा रहे हैं जो हमें दंड देगा, हम अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, जो हमारे अवगुणों को भी गुणों में बदलने में सक्षम है, जो बदल सकता है, जिसमें इतनी ताकत है। हम अपने आप को वैसा क्यों नहीं रख देते जैसे हम हैं? अवगुणों की खान है तो रख दो, वो गुणों की खान में परिवर्तित कर देगा। अभी तक हम अवगुणों की खान इसीलिए बने हैं क्योंकि एक आवरण, एक पर्दा, एक मुखौटा चढ़ाकर जाते हैं। किसको धोखा देते हैं? परमात्मा को। जिसको कोई आज तक धोखा दे ही नहीं पाया है, उसको धोखा देने का प्रयास करते हो, उसको धोखा मत दो। ये उसको धोखा देना नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। अगर हम ऐसे नहीं है तो वैसे बन जाए जैसे बनना है। अगर हम भक्त नहीं है तो हमें प्रयास करना है, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपने चिंतन से उसका साक्षात्कार कर वैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। हनुमान जी के जीवन में भी तो गुण ही गुण है, कैसे आए हैं? प्रभु का अनन्य भक्त बन गया, अन्य कोई नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था, कोई आवरण नहीं था, जैसे थे वैसे बन गए। जो अंदर था वही बाहर रख दिया तो क्या किया? प्रभु ने हीरा बना दिया, ऐसा हीरा जिस हीरे की जगमगाहट से हम भी रोशन होते हैं,
हम भी कहते हैं हमने भी ऐसा ही बनना है। ये हनुमान जी का चरित्र है।